हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए क्वाइट इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जो है डुप्लीकेट डिस्प्ले और ओरिजिनल डिस्प्ले में फ़र्क कैसे जान सकते हैं। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, ये दोनों ही फ़ोन मेरे पास जो हैं वो एग्जैक्टली सेम मॉडल्स हैं। दोनों ही हैं आईफोन 10 मॉडल। ये तो है मेरे वाला पर्सनल डिवाइस और ये है ऑलमोस्ट एक दूसरा डिवाइस। मैं आपको दिखाऊंगा, ये दोनों ही आईफोन 10 मॉडल हैं। और गाइस, यहाँ पर दोनों ही आईफोन्स की डिस्प्ले, एक जो है फेक है, एक है ओरिजिनल वन। सो आपको जो है, अगर आपको मैं ऐसे कंपेयर करके दिखाऊं, सो आपको बिल्कुल भी फ़र्क पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर गाइस डिस्प्ले के कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, फुली नॉच वाली एग्जैक्टली सेम टू सेम डिस्प्ले है और काफ़ी ब्राइटनेस और कलर्स दोनों के पंची और विविड हैं। बस वो वॉलपेपर्स का फ़र्क है। सेकेंडली, आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्प्ले वाले सेक्शन में ट्रू टोन हमें देखने को मिल रहा है। सो कोई भी यूज़र जो है, नया आईफोन यूज़र, बड़े आराम से वो एक तरह से ट्रैप में आ जाएगा कि ये डिस्प्ले है वो कम्प्लीटली ओरिजिनल है। लेकिन गाइज, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे हम फ़र्क जान सकते हैं ओरिजिनल डिस्प्ले और डुप्लीकेट डिस्प्लेस का। सो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। और जो मैं आपको वो फ़र्क दिखाऊंगा, वो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सही तरीके से चेक करना है अपने फ़ोन की डिस्प्ले में, या फिर जो आप फ़ोन सेकेंड हैंड या किसी से डील अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, एक तरह से कोई फ़ोन बाय कर रहे हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो उसकी निशानी होती है गाइस, जो एप्पल की ओरिजिनल डिस्प्ले होती है, वो नीचे से या ऑलमोस्ट पूरी राउंड होती है। राउंड आप देख सकते हो, फुली कर्व्ड, आई मीन टू से पूरा राउंड शेप जो है उसका निकल के आया है, पूरी गोल टाइप है। लेकिन जो डुप्लीकेट डिस्प्लेज होती हैं, वो एग्जैक्टली सेम ऐसी शेप हमें नहीं दे पाती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वाले जो फ़ोन की डिस्प्ले है वो डुप्लीकेट है, और यहाँ पर जो एप्पल का स्क्रीन गार्ड है आईफोन 10 के लिए, वो आप देख सकते हो फुली राउंडेड है। यहाँ पर नीचे से होकर जा रहा है, लेकिन ये जो डिस्प्ले है ये फुली राउंडेड वहाँ पर से नहीं मिल रही हमको। यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं, इसका जो कर्व है वो थोड़ा ऊपर से हाईलाइट होकर दिख रहा है। सो ये जो है डिस्प्ले का बहुत बड़ा इशू है। इशू नहीं है, ये हमें प्रॉब्लम नहीं देता कुछ भी, ये जस्ट एक तरह से डुप्लीकेट डिस्प्ले की पहचान है, क्योंकि ये जो ओरिजिनल डिस्प्ले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और सेकेंडली गाइज, चलो मान लो कि हमारी जो डिस्प्ले में है ये चीज़ पूरी ऑलमोस्ट कवर्ड है, मान ली। सो अब हम कैसे फ़र्क पहचान सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक तरह से फ़र्क दिखा दूं कि ये बिल्कुल फ़र्क होता है। आपको जो है डिटेल में आपको मैं दिखाना पसंद करूंगा। आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पर ये जो ऊपर वाली जो डिस्प्ले है वो फुली नीचे से कर्व होकर हमें दिख रही है दोनों ही साइड से। लेकिन यहाँ पर जो आईफोन 10 नीचे वाली की जो डिस्प्ले है, वो आप नीचे ये जो साइड हमें, ये जो छोटा सा ब्लैक पोर्शन देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये जो कर्व्ड है, ये इसकी या ग्लास या फिर टच स्क्रीन जो है, इतनी डिस्प्ले राउंडेड नहीं बना सकते दूसरी डी ब्रांडेड कंपनी वाले, ये एप्पल ही बना सकता है। सो ये जो चीज़ है आपको एग्जैक्टली शानदार फ़र्क दिखा रही है, एग्जैक्टली ए टू जेड। ये बहुत ही सही जो है पॉइंट है, जिसके कारण हम आप डुप्लीकेट डिस्प्ले और ओरिजिनल डिस्प्ले में फ़र्क जान सकते हैं। लेकिन गाइज, आप बोलोगे कि इन दोनों की क्वालिटी इतनी बेहतर है कि हम कैसे मान लें इनके कलर्स इतने शानदार निकल के आ रहे हैं दोनों की, दोनों सेम हैं और टच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइज, नो डाउट जो नॉच आईडी, नॉच फेस आईडी वाले डिवाइसेज आ रहे हैं, उनकी आजकल जो है GX क्वालिटी में डिस्प्लेज आ रही हैं, जो कि OLED पैनल ही होते हैं, ऑलमोस्ट OLED फुल क्वालिटी वाले, जैसे कि आईफोन 10 के हैं। लेकिन उनकी एग्जैक्टली शेप तो नहीं ना सेम बना सकते डी ब्रांडेड कंपनी वाले। सो ये जो चीज़ है, OLED क्वालिटी दे सकते हैं, कलर्स एग्जैक्टली सेम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम शेप प्रोवाइड नहीं कर सकते। और अब गाइज, मैं आपको सेकेंड फ़र्क दिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही कम यूज़र्स को पता होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको गाइज, टच में जो है आईफोन की टच में डुप्लीकेट डिस्प्ले वाली में बिल्कुल भी आपको कोई भी नुकसान या फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, टच में ही आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। वो कहाँ पर? वो आईफोन का एक स्पेशल पार्ट है, यहाँ पर हमें जो है टच में हमें फ़र्क देखने को मिल जाएगा। सो वो आपको चीज़ कहाँ पर देखने को मिलेगी, जस्ट होल्ड ऑन, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, लॉक स्क्रीन में जाना है आपको, हर बार लॉक स्क्रीन में जाना है। और गाइज, जब भी आप अपने फ़ोन की टॉर्च को ओरिजिनल डिस्प्ले में टच करोगे, वो 99.9 केसेस में हमेशा ऑन होगा। जब आप सिंपली ऐसे वन क्लिक में टच करोगे, सो वो ऑन नहीं होगा। जब आप लाइवली प्रेस करोगे, 99.9 केसेस में वो जो आपकी टॉर्च है वो ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ 99% केसेस में होगी। जस्ट आपका कोई रैंडम ये जो टच इशू यहाँ पर अगर आप लाइवली प्रेस नहीं करते हो, वो है 0.1% का
जो मैं 99.9% मैंने बोला। सो डुप्लीकेट डिस्प्लेज में हमेशा आपको ये जो है प्रॉब्लम आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लाइवली भी प्रेस कर रहा हूँ, सो ये जो है टच कभी फ्लैशलाइट ऑन होते ही ऑफ हो जाती है। सो यहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने कभी ओरिजिनल डिस्प्ले यूज़ की है तो ओरिजिनल डिस्प्ले में हमें ऐसी चीज़ कभी भी देखने को नहीं मिलती है। सो आपको ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको जो है सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ओरिजिनल डिस्प्ले पे यूज़ करो। सो आपको पता चले कि ओरिजिनल डिस्प्ले की लाइवली टचिंग या लाइव प्रेसिंग होती क्या है, फिर आप डुप्लीकेट डिस्प्ले के ऊपर जब आप फ़र्क देखोगे सो आप एक झटके में पहचान लोगे कि ये जो है डुप्लीकेट डिस्प्ले है। अब आप देख सकते हैं मैं जोर लगाकर भी प्रेस कर रहा हूँ, सो ये जो है टॉर्च अपना काम नहीं कर रही है। आप देख सकते हो बंद भी नहीं हो रही और मेरा जो प्रेशर है वो उतना ही है, और स्पेशली मैं किसी दूसरी फिंगर से करूँगा फिर होगा। सो ये जो है दो बहुत ही बड़े पॉइंट्स हैं गाइस, स्पेशली आईफोन्स के मुकाबले में, कि आपको डुप्लीकेट और ओरिजिनल डिस्प्लेज में फ़र्क दिखाएंगे। आई होप गाइस आपको ये जो पॉइंट्स हैं बहुत ही सही और बहुत ही वैलिड लगे होंगे। अगर इनमें से आपको कोई और पता है जो मैंने मिस कर दिया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी ब्राइटनेस या कलर्स के मुकाबले में आईफोन्स के डिस्प्ले हैं वो डुप्लीकेट डिस्प्ले भी मैच कर लेंगी, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी बना सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम शेप या एग्जैक्टली सेम प्रिसाइज लेवल की हमें जो है मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते जो कि एप्पल वाले प्रोवाइड करते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।